अंग्रेजी सरकार के अंतहीन जुल्मों के विरोध में उपजे अटल संकल्प के फलस्वरूप बहुत से शहीदों ने स्वतंत्रता की बलि देवी को अपने खून से सींचा था और जेलों में यातनाएं सही थी प्राण दिए। जतेंद्रनाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उनकी अद्भुत साहसपूर्ण गतिविधियों के कारण उन्हें बाघा जतिन कहा जाता था। अंग्रेजी सरकार के विरोध में सशस्त्र क्रांति का आयोजन करने के लिए वो विदेशों से हथियार मंगाने के सिलसिले में 9 सितंबर 1915 को उड़ीसा में आलासोर के पास कापटीपोड़ा की एकांत जगह पर जर्मनी से आने वाले शस्त्र भंडार को लेने के लिए पहुंचे, परंतु पुलिस को पता चल गया और वो मारे गए। बंगाल के क्रांतिकारी शचिंद्रनाथ सान्याल ने क्रांतिकारी दल का फिर से संगठन किया। इससे पहले उन्हें विप्लव की योजना बनाने के जुर्म में काले पानी की सजा हुई थी। आम माफी दिए जाने पर उन्हें 20 फरवरी 1920 को छोड़ दिया गया। शचिंद्रनाथ सान्याल ने उत्तर भारत में अपना संगठन फैलाना शुरू किया। योगेश चटर्जी उनके साथ थे। इस संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उन्होंने कोई 23 नगरों में इसकी शाखाएं स्थापित की। इस संगठन के सिलसिले में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल उनके संपर्क में आए। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल बचपन से ही देश के लिए कुछ करने को बेचैन थे। युवावस्था में जब अन्य क्रांतिकारियों की बातें सुनते तो कुछ करने को बेचैन होते। आखिर उनकी इच्छा पूरी थी शचिंद्रनाथ सान्याल के संपर्क में आकर। रामप्रसाद बिस्मिल अपने क्रांतिकारी दल में उन्हीं लोगों को शामिल करते थे जो उनकी कठिन परीक्षा में सफल थे। चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्ला ऐसे ही सफल व्यक्ति थे जिन्हें दल में लिया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल अपने विचारों और नियमों के पक्के थे। उन्हें दल में अनुशासन बहुत प्रिय था। वो एक अच्छे शायर भी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इस तरह के राष्ट्रगीत के रचनाकार रामप्रसाद बिस्मिल। इस गीत को गाते हुए कितने ही नौजवान स्वतंत्रता की बलि देवी पर चढ़ गए। अशफाकुल्ला शाहजहांपुर के रहने वाले थे। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के सत्संग ने उनकी क्रांतिकारी भावनाओं को बढ़ावा दिया। अशफाकुल्ला भी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताएं लिखा करते थे। कुछ आरजू नहीं है, है आरजू दिगे, रख दे कोई जरा सी खाके वतन पतंग। क्रांतिकारी दल यानी हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक अन्य महत्वपूर्ण सदस्य बने थे चंद्रशेखर आजाद। मध्य प्रदेश की एक छोटी सी रियासत अलीराजपुर के एक गांव में कट्टर ब्राह्मण के घर वो जन्मे थे। 10-12 वर्ष की उम्र में वो संस्कृत पढ़ने काशी गए। वो राष्ट्रीय आंदोलन में था। सभी ओर राष्ट्रीयता के रंग में डूबे लोग अंग्रेजी शासन के विरोध में जलसे जुलूस निकालते थे। एक दिन राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। अंग्रेज पुलिस ने उन निहत्थे लोगों पर लाठियां चलाई। किशोर चंद्रशेखर ये सब देख कर तिलमिला उठा। उसने एक पत्थर उठाकर एक सिपाही को मारा और भाग निकला। किंतु बाद में पकड़े जाने पर चंद्रशेखर आजाद को अदालत में पेश किया गया। उस समय मैजिस्ट्रेट और किशोर चंद्रशेखर के बीच हुआ संवाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है। आजाद हमारे पिता का नाम स्वाति जेल था। बस तभी से किशोर चंद्रशेखर के साथ आजाद नाम जुड़ गया। उन्हें तब 15 बैतों की सजा हुई। हर बैत की मार पर उन्होंने कहा था, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी वो थे तो बंगाल के, पर बचपन से ही बनारस आकर रहने लगे थे और बनारस के क्रांतिकारी दल के मुख्य संगठक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय कार्य करने वाले लाहिड़ी पर बिस्मिल को बड़ा भरोसा था और शचिंद्रनाथ बख्शी भी बंगाली थे पर बनारस में रहते थे। वो शुरू से ही स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी कार्यों में जुटे हुए थे, इसीलिए उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया था। उन्हें झांसी में संगठन चलाने के लिए भेजा गया था। काकोरी योजना के लिए बिस्मिल ने उन्हें खास तौर पर बुलाया था। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जब काकोरी के पास पहुंची तो ट्रेन रोककर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया और लखनऊ चले गए।
उनकी धरपकड़ में चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी सभी लोग पकड़े गए। बाद में राजेंद्र नाथ पहले, किंतु बाद में पकड़े जाने पर चंद्रशेखर आजाद को अदालत में पेश किया गया। उस समय मैजिस्ट्रेट और किशोर चंद्रशेखर के बीच हुआ संवाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है। आजाद स्वाधीन जेल था। बस तभी से किशोर चंद्रशेखर के साथ आजाद नाम जुड़ गया। उन्हें तब 15 बैठों की सजा हुई। हर बैठ की मार पर उन्होंने कहा था, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राजेंद्र नाथ लहरी, वो थे तो बंगाल के, पर बचपन से ही बनारस आकर रहने लगे थे और बनारस के क्रांतिकारी दल के मुख्य संगठक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय कार्य करने वाले लहरी पर बिस्मिल को बड़ा भरोसा था और शचीन्द्रनाथ बख्शी भी बंगाली थे पर बनारस में रहते थे। वो शुरू से ही स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी कार्यों में जुटे हुए थे, इसीलिए उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया था। उन्हें झांसी में संगठन चलाने के लिए भेजा गया था। काकोरी योजना के लिए बिस्मिल ने उन्हें खास तौर पर बुलाया था। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जब काकोरी के पास पहुंची तो ट्रेन रोककर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया और लखनऊ चले गए। उनकी धरपकड़ में चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी सभी लोग पकड़े गए। बाद में राजेंद्र नाथ पहले, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह को फांसी दी। शचीन्द्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, केशव तथा मन्नत नाथ गुप्त को जेल की सजा दी। भगत सिंह को भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की धारा के लिए मोर सूचक मील का पत्थर कहा गया है। उन्होंने समय और समाज को देखते हुए क्रांतिकारियों को धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठाकर समाजवाद की ओर मोड़ा था। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए 15 दिसंबर 1928 को क्रांतिकारी दल ने अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या कर दी। इसमें शामिल थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और शिवराम राजगुरु। अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या के बाद ये लोग लाहौर से वेश बदलकर भाग निकले। दुर्गा भाभी के साथ उनके बच्चे को गोद में लेकर भगत सिंह चले। राजगुरु उनके अर्दली बने थे और चंद्रशेखर आजाद एक बंडे के वेश में तीर्थ यात्रियों की जोड़ी के साथ निकल गए। इसके बाद क्रांतिकारी दल ने दिल्ली में असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। इसके लिए भगत सिंह को भेजने का फैसला किया, किंतु राजगुरु और सुखदेव दोनों ही चाहते थे कि उन्हें भेजा जाए। क्रांतिकारी सुखदेव लुधियाना के रहने वाले थे। कॉलेज में पढ़ते हुए उनका झुकाव क्रांति की ओर हो गया था। फिर वो भगत सिंह के संपर्क में आए। इनके हाथ में इनका नाम गुदा हुआ था। क्रांतिकारी होने का किसी को पता न लगे, इसलिए एक दिन सुखदेव ने मोमबत्ती जलाकर उस गुदे हुए भाग को बड़े साहस से जला दिया। साथ ही क्रांतिकारी उनके इस साहस को देखकर चकित रह गए थे। दिल्ली में असेंबली में बम फेंकने का काम अंत में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सौंपा गया था। बटुकेश्वर दत्त सन 1924 में भगत सिंह के संपर्क में आए थे। क्रांति की चिंगारी बटुकेश्वर दत्त में बचपन से ही सुलग रही थी। भगत सिंह के साथ से उसे बल मिला। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने के साथ देश को पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की बजाय गिरफ्तारी की। सरदार भगत सिंह ने अपने बयान में कहा था, क्रांतिकारी दल का उद्देश्य मजदूरों और किसानों को उनका हक दिलाना है, ताकि हम एक वर्गहीन समाज की स्थापना कर सके। बाद में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई। स्वतंत्रता की बलिदेवी पर झूल कर हमारे ये भाई अपनी यादें छोड़ गए। उधर चटगांव में सूर्य सेन क्रांति के क्षेत्र में उतरने से पहले एक स्कूल में लोकप्रिय पहाड़ी पर क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच जमकर युद्ध हुआ। एक ओर शक्तिशाली ब्रिटिश सेना थी, दूसरी ओर 20 साल से भी कम उम्र के नौजवान क्रांतिकारी। आखिर क्रांतिकारी दल की हार, 20 नौजवान मारे, बहुत से गिरफ्तार किए, किंतु सूर्य सेन और कुछ अन्य क्रांतिकारी नहीं पकड़े जा सके। सन 1930 में स्वतंत्रता क्रांति व्यापक रूप से फैल गई थी, जिसमें कलकत्ता में बिनॉय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की योजना बनाई। ये PBD ग्रुप के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने कारागारों के मुख्य अधीक्षक कर्नल सिम्पसन को 8 दिसंबर 1930 को कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में गोली मार दी।
उधर 27 फरवरी 1931 की बात है, दिन के 10 बजे थे। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में चौक कचरा की तरफ से जा रहे थे, उनके साथ सुखदेव राज भी था। चंद्रशेखर आजाद ने अचानक वीरभद्र तिवारी को देखा तो चौंक उठे। वीरभद्र तिवारी काकोरी षड्यंत्र में गिरफ्तार हुआ था और न जाने कैसे छूट गया था। इस कारण दल के लोग उस पर शक करने लगे थे और उसे दल से निकाल दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव राज एल्फ्रेड पार्क में एक जगह बैठ गए। इतने में पुलिस अफसर विशेषर सिंह और डालचंद खुफिया पुलिस के सुपरिंटेंडेंट नॉच बावर को लेकर पार्क में पहुंच गया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। सुखदेव राज मौका पाकर भाग निकला। अब एक तरफ चंद्रशेखर आजाद अकेले और दूसरी तरफ तीन लोग मुकाबले में रह गए। नॉच बावर के हाथ में आजाद की गोली लगी और पिस्तौल छूट कर गिर पड़ी, परंतु विशेषर सिंह लगातार गोली चला रहा था। आजाद की एक गोली उसके जबड़े पर लगी और वो घायल हो गया, परंतु आजाद पैर में गोली लगने से घायल हो गए और उनकी गोलियां भी खत्म हो रही थी। आखिर एक गोली बचने पर उसे उन्होंने अपने आप को मार दिया और सदा के लिए सो गए। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारियों के आदर्श नेता थे। उन्होंने अपने साथियों में ऐसी लोकप्रियता हासिल की थी कि वो आजाद के एक इशारे पर प्राण देने को तैयार रहते थे। उधर सूर्य सेन के दल की एक सक्रिय कार्यकर्ता थी कल्पना दत्त। चटगांव शस्त्रागार कांड के दिनों में ही वो चटगांव आई थी और क्रांतिकारी मनोरंजन राय के घर ठहरी थी। उन्होंने चटगांव साइंस कॉलेज में दाखिला ले लिया था। वो पढ़ाई के साथ साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी योजनाओं पर कार्य करती थी। ब्रिटिश पुलिस को सूर्य सेन कल्पना दत्त आदि की बहुत तलाश थी पर वो हाथ नहीं आते थे। चटगांव के पास कोयराला गांव के एक जमींदार को ब्रिटिश पुलिस ने 10,000 रुपयों का प्रलोभन दिया कि वो सूर्य सेन और उनके साथियों को पकड़वाए। वो जमींदार सूर्य सेन से परिचित था। 16 फरवरी 1933 की रात सूर्य सेन अपने साथियों के साथ उस जमींदार के निमंत्रण पर पहुंचे। उनके साथ कल्पना दत्त भी थी। अभी पुलिस ने जमींदार का घर घेरना शुरू ही किया था कि सूर्य सेन को पता चल गया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। सूर्य सेन पकड़े गए किंतु कल्पना दत्त और कुछ अन्य साथी पकड़े नहीं जा सके। परंतु 19 मई 1933 को कल्पना दत्त और उनके साथी सागर तट पर बसे गाहिरा नामक छोटे से गांव से गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में पुरुषों को तो फांसी दे दी गई किंतु कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली। उधर सूर्य सेन पर मुकदमा चला, उन्हें फांसी की सजा दी गई। 12 जनवरी 1934 को जब आधी रात के समय उन्हें फांसी के लिए ले जा रहे थे तो सूर्य सेन ने बड़ी जोर से वंदे मातरम का घोष किया। जेल के सारे कैदी जाग उठे। वो समझ गए कि सूर्य सेन को फांसी के लिए ले जा रहे हैं। उत्तर में जेल के सारे कैदियों ने वंदे मातरम कहा। सूर्य सेन ने अंडमान की सेल्यूलर जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। काले पानी की सजा का घिनौना संबोधन उन्हीं दिनों प्रचलित हुआ था क्योंकि सेल्यूलर जेल में बंद कैदियों की हालत नरक से भी बदतर थी। विनायक दामोदर सावरकर ने सेल्यूलर जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हुए व्यवहार का बड़ा ही रोमांचक और हृदय विदारक विवरण प्रस्तुत किया। सेल्यूलर जेल का जेलर मिस्टर बंद इन लोगों को राजनैतिक कैदी नहीं मानता था। अगर कोई इन लोगों को राज कैदी कहता तो वह आपने से बाहर हो जाता। वो चीख कर पूछता, कौन राज कैदी है? वो तुम्हारे माफिक मामूली कैदी है, इन पर बदमाश कैदियों का डी लिखा है। कैदियों को कोल्हू पहनना पड़ता था। उन्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोटी खाने के लिए खोला जाता। पानी देने वाला इतना कम पानी देता था कि पीने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता था। अगर किसी जमादार से शिकायत करते कि पानी कम मिलता है तो वो कहता, दो कटोरी का हुक्म है, तुम तो 3 कटोरी पानी पी गया, क्या तुम्हारे बाप यहाँ से आएगा? नहाने का तो सवाल ही नहीं था, खाने का भी यही हाल था। खाना देकर कोठरी बंद कर दी जाती। कैदी ने खाया या नहीं इसकी कोई परवाह नहीं करता, बस जोर से यही आवाज लगाई जाती, शाम का तेल पूरा निकाल देना नहीं तो पीते जाओगे, और सजा मिलेगी 100। ऐसे में कई लोग मुंह में कौर रखते और गोली चलाते। 100 में 1 आदमी ऐसे होते जो दिन भर में 30 पौंड तेल निकाल पाते थे। जो लोग तेल नहीं निकाल पाते उन पर जमादार नंबरदार डंडे बरसाते, लात घूसा और जूते मारते। उस समय किसी की बीमारी वगैरह की परवाह नहीं। यतीन्द्र दास भी थे। दत्त की हालत पहले से ही खराब थी, अनशन के कारण और भी ज्यादा खराब होने लगी। लोगों को यतीन्द्र दास के बारे में चिंता होने लगी और सभी ओर चर्चा फैल गई। जवाहरलाल नेहरू ने जेल में जाकर अनशन करने वालों से मुलाकात की। उन्होंने देखा कि ये अनशन अपने लिए नहीं बल्कि तमाम दूसरे कैदियों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ किया गया है। नेहरू जी ने अखबारों में बयान दिया, यतीन्द्र की हालत बहुत खराब हो गई, बहुत कमजोर हो गए, उनमें करवट लेने की ताकत नहीं, वो खुद धीरे धीरे बोलते, मालूम होता है वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर लड़ाई में शामिल। धीरे धीरे यतीन्द्र दास मृत्यु की ओर बढ़ने लगे। डॉक्टर ने कह दिया कि उनके जीने की कोई आशा नहीं, सारा शरीर सुन्न पड़ता जा रहा था। आखिर 13 सितंबर 1929 की दोपहर यतीन्द्र दास ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध 63 दिन तक लड़ते हुए अपना बलिदान दे दिया। लेकिन ऐसे कई शहीद थे
जिन्होंने अपने खून से स्वतंत्रता की बलिदेवी को सींचा था। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में मणिन्द्रनाथ बनर्जी ने भी साम्राज्यवाद के अत्याचारों के विरुद्ध कई लोगों के साथ अनशन किया था। मणिन्द्रनाथ की हालत बिगड़ती चली गई, परंतु ब्रिटिश शासन तस से पस नहीं हुआ। किंतु स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत उसे कमजोर तो बना रही। आखिर 20 जून 1935 को मणिन्द्रनाथ मुखर्जी 66 दिन की भूख हड़ताल के बाद अत्यंत करुण अवस्था में शहीद हो गए। अहमदनगर जेल में मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आसफ अली, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य पुतानी आदि कई बड़े नेता बंदी बनाकर रखे गए। बम्बई से आए जेलों के इंस्पेक्टर जनरल ने उन्हें बताया कि वो न तो अपने रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिख सकते हैं, न ही उनकी चिट्ठियां मिलेंगी, अखबार भी नहीं मिलेगी। ये हुक्म बहुत सख्त है, जिसका पालन करना ही होगा। इस तरह ये सब बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट चुके थे, परंतु जन्मभूमि को अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए अधिक संकल्प, शक्ति और साहस का उदय हो चुका था।